आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम समलंब, समद्विबाहु समलंब तथा इनकी विशेषताओं को समझेंगे। अब तक ज्यामिति में हम बहुभुज तथा उसके प्रकार, चतुर्भुज तथा चतुर्भुज के कोण, योग, गुणधर्म के बारे में जान चुके हैं। क्या आप इन आकृतियों को पहचान सकते हैं? शाबाश, ये सभी आकृतियां चतुर्भुज हैं, जिसमें यह पीली आकृति एक आयत तथा लाल आकृति एक वर्ग, परंतु हम इस गुलाबी आकृति के बारे में नहीं जानते। तो आइए आज साथ मिलकर इस आकृति के बारे में जानते हैं। यदि आप ध्यान दें तो पाएंगे कि इस आकृति में भुजाओं का एक युग्म समांतर है। तीर का निशान समांतर रेखाओं को दर्शाता है। आइए देखते हैं कि हमने इन्हें समांतर कैसे कहा। यदि हम छोटी समांतर भुजा के शीर्षों से लंब खींचें, तो हम देखेंगे कि यह लंब बराबर लंबाई के हैं, यानी कि इनकी लंबाई समान है, जिस कारण इस आकृति को समलंब कहा जाता है। इस आकृति में भुजाओं का एक युग्म समांतर व दूसरा युग्म असमांतर होता है। क्या अब आप इन आकृतियों में से समलंब की पहचान कर सकते हैं? नीली आकृति में यदि हम देखें तो यह एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर है, अतः यह आकृति एक समलंब है। आइए अब इस भूरी आकृति पर चर्चा करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि भुजाओं का कोई भी युग्म समांतर नहीं है, इसलिए यह समलंब नहीं होगा। इस हरी आकृति में हमें भुजाओं का एक युग्म समांतर दिया गया है, परंतु अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि यह तो एक चतुर्भुज ही नहीं है, जबकि समलंब की परिभाषा से हम जानते हैं कि समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, अतः यह आकृति समलंब नहीं है। यह संतरी आकृति एक समलंब है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर है। उम्मीद है कि अब आप समलंब की पहचान करने में सक्षम होंगे। आइए अब हम समलंब के गुणधर्मों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम समलंब की परिभाषा से जानते हैं कि समलंब की भुजाओं का एक युग्म हमेशा समांतर होगा, जो कि इसका पहला गुण है। हम पिछली वीडियो से जानते हैं कि एक चतुर्भुज के चारों अभ्यंतर कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है, और क्योंकि समलंब भी एक चतुर्भुज है तो एक समलंब के चारों अभ्यंतर कोणों के मापों का योग भी 360 डिग्री होगा। इसी प्रकार समलंब के चारों बाह्य कोणों के मापों का योग भी हमेशा 360 डिग्री होगा। समलंब का एक महत्वपूर्ण गुण यह भी है कि किसी समलंब के असमांतर भुजाओं के युग्म में किसी भुजा पर बनने वाले आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। आइए अब एक विशेष समलंब के बारे में जानते हैं। यदि किसी समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर लंबाई की हों, तो ऐसे समलंब को हम समद्विबाहु समलंब कहते हैं। समद्विबाहु समलंब की एक प्रमुख विशेषता यह है कि समद्विबाहु समलंब में समांतर भुजाओं के युग्म में
किसी भुजा पर बनने वाले आसन कोण हमेशा सर्वांग सम होते हैं। अतः इस समलंब में हम कह सकते हैं कि कोण एक कोण दो के बराबर होगा तथा कोण तीन कोण चार के बराबर होगा। आज इस वीडियो में हमने सीखा समलंब का अर्थ, समलंब आकृतियों की पहचान करना, समलंब के गुण, समद्विबाहु समलंब की परिभाषा तथा उसकी विशेषताएं। अगली वीडियो में हम इन पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे।